हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं उत्तम वैल्यू स्टील के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे उत्तम गलवा मेटेलिक के बारे में, जो कल की 22 को जो कोर्ट में हियरिंग थी NCLT कोर्ट में। तो कल से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ चुके वीडियो के नीचे कि क्या हुआ, उत्तम वैल्यू स्टील की हियरिंग थी उसमें क्या देखने को मिला, उत्तम गलवा स्टील में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें अपने शेयर्स वापस कब मिलेंगे। तो जैसे कि मैं आप सभी को क्लियरली बता दूँ कि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा 22 जनवरी को जो उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील की जो कोर्ट में हियरिंग थी, और आप सभी को पता होगा 22 जनवरी को जो हमें इंडिया में जो राम मंदिर का जो देखने मिला, जिस वजह से जो एंड मोमेंट पे आप सभी को पता होगा जो 3 दिन पहले जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सभी को हॉलीडे देखने को मिला, जिस वजह से जो NCLT कोर्ट्स ने सभी ने जो फास्ट फॉरवर्ड पे डाल दिए थे कि जितनी हियरिंग होगी 2 बजे के बाद उतनी वो कवर करेंगे, जिसमें आप देखोगे उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील की हियरिंग हुई नहीं, जिस वजह से कल आप देखोगे उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा में हमें कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। क्योंकि जो एक टाइम पीरियड था जब तक कोर्ट क्लोज नहीं होता 6 बजे तक, तब तक आप देखोगे तो हमें उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील दोनों की हियरिंग हमें देखने को नहीं मिली, जिस वजह से हमें फिलहाल तो स्टॉक में कोई अपडेट नहीं देखने को मिला कल। और जैसे कि मैं बता दूं, अभी तक उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील में कोई नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं मिली। इसका मतलब है कि मे बी उत्तम वैल्यू स्टील की जो नेक्स्ट हियरिंग हमें आज भी देखने को मिल सकती है, और उत्तम गलवा मेटेलिक में उसमें भी हमें सेम प्रोसीजर देखने को मिल सकता, तो मे बी हमें उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा मेटेलिक में भी आने वाले 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा, जब तक हमें कोई कोर्ट से लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल जाता। और जैसे कि आप देखोगे बहुत से लोग ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्स्ट डेट मिल गई, लेकिन अभी तक उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम मेटेलिक को कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं देखने मिला, क्योंकि अभी भी जो इनकी नेक्स्ट जो हियरिंग डेट थी वो 22 जनवरी थी, जहाँ पे अभी भी आप देखोगे जो NCLT कोर्ट में इनकी नेक्स्ट लिस्टिंग डेट भी आप नज़र डालोगे लिस्टिंग डेट पे, तो अभी भी हमें वो 22 जनवरी ही देखने को मिल रही है। और जैसे कि आप जो लिस्टिंग हिस्ट्री पे भी आप नज़र डालोगे, जो लेटेस्ट इनकी जो लिस्टिंग थी वही हमें शो हो रही, जो कि हमें 12 जनवरी देखने को मिले, लेकिन जो 22 जनवरी की अभी भी हमें इसमें यहाँ पे कोई लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिली। और जैसे कि मैंने पता लगाया कि अभी भी हमें मे बी आज भी हमें कोई लेटेस्ट अपडेट इसमें देखने को मिल सकता है, और मे बी कल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें ये वीक तो इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो राम मंदिर की वजह जो एंड मोमेंट पे जो हॉलीडे हमें देखने को मिला, जिस वजह से उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम मेटेलिक में हमें कोई अपडेट देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने एक अपडेट वीडियो बनाया, और जब तक कोई लेटेस्ट अपडेट ना आ जाए तब तक मैं इस पर वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैंने एक अपडेट वीडियो बनाया छोटा सा। तो आज के लिए बस इतने, जैसे ही उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम मेटेलिक में हमें मे बी 1-2 या 3-4 दिनों में भी कोई लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आज या कल ही हमें कोई इसमें बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे जो लिस्टिंग डेट हमें 22 जनवरी देखने को मिली, तो मे बी हमें एक या दो दिन का वेट करना पड़ेगा। ये तो आज के लिए बस इतने, जैसे ही उत्तम वैल्यू स्टील में और उत्तम मेटेलिक में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतने, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।